बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों, बहनों और दोस्तों को आज मैं आपको लैलतुल कद्र, जिसे शब कद्र भी कहा जाता है, बहुत ही बाबरकत रात है, और इस रात के हवाले से आज मैं आपको एक तस्बीह का अमल बताने जा रही हूँ। यह तस्बीह का अमल ऐसा अमल है कि जिसको आप शब कद्र की रात में सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे, अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रखते हुए सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार आपकी दौलत की, रिज्क की, बेरोज़गारी की, हर तरह की परेशानी को दूर फरमा देगा। ये ऐसा तस्बीह का अमल है, इसको जो बंदा पूरे यकीन के साथ पढ़ लेगा कि मेरा मालिक वो सबको रिज्क देता है, दौलत देता है, जिसे चाहे वो अमीर कर दे, जिसे चाहे वो गरीब कर दे, जिसे चाहे दौलत से मालामाल कर दे, जो बंदा पूरे यकीन से ये एक तस्बीह पढ़ लेगा, मेरा मालिक उसको दौलत से मालामाल फरमा देगा। आप सबको पता है ये रात बड़ी ही बाबरकत रात है, जिसमें कुरान मजीद का नजूर हुआ। ये रात हज़ार महीनों से बेहतर है, और ये शर्फ सिर्फ प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत को हासिल हुआ है। ये रात रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कदर को रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, और ताक आदाद में सातवां अदद ज़्यादा पसंदीदा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सात ज़मीनें, सात आसमान बनाए, तवाफ़ के सात फेरे मुकर्रर किए, हफ्ते के सात दिन बनाए, और जब ये साबित हो गया कि सात का अदद ज़्यादा पसंदीदा है तो बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि ये रात रमज़ान के आखिरी अशरे की 27वीं रात होनी चाहिए। दोस्तों, इस रात को बच्चे से लेकर बड़ों तक हर कोई इबादत करता है, और इस रात का हर मुसलमान को इंतज़ार रहता है। पूरे रमज़ान में बड़ी बेसब्री के साथ इस रात का इंतज़ार करता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई चाहता है कि इस रात को इबादत की जाए, नमाफिल अदा किए जाएँ, कुरान पाक की तिलावत की जाए, जिक्र व अज़कार किया जाए, यानी हर कोई बड़ी बेसब्री से इस रात का इंतज़ार कर रहा होता है। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपके पास वो महीना आया है जिसमें एक रात हज़ारों महीनों से अफजल है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया, गोया वो तमाम खैर से महरूम रहा। कुछ लोग समझते हैं कि शब कदर में कोई फजीलत का ख़ास लम्हा है जो ना जाने कब गुजर जाए, लिहाजा पूरी रात जागना लाजमी है। लिहाजा ये ख्याल दुरुस्त है, क्योंकि सूरतुल कद्र में आता है कि इसके अनमार और इसके बरकतें, इसकी रहमतें और इसकी अजमतें पूरे फजर तक रहती हैं। जैसे ही आप लोग नमाज तरावी अदा करें तो अल्लाह पाक के जिक्र के लिए, कुरान की तिलावत के लिए, अपनी मगफिरत के लिए इबादत करना शुरू कर दें, और फजर की नमाज तक यानी तुरूबे फजर तक इस रात की रहमतें और फजीलतें हासिल करते रहें। तो आइए अपने अमल की तरफ बढ़ते हैं, जो मैं आपको बताने जा रही हूं कि इस अमल में आप लोगों ने पढ़ना क्या है, कि जिसकी बरकत से अल्लाह पाक आपके रिज्क में इजाफा फरमा देगा, आपको दौलतमंद बना देगा। अगर कोई फ़कीर, अगर कोई गरीब बंदा भी ये अमल कर लेगा इस रात को, तो इंशाअल्लाह उसके हाथों में भी दौलत आ जाएगी। जो अमल है वो नोट फरमा लेगी, अमल किस तरह से पढ़ना है कि शब कदर में किसी भी वक्त, पूरी रात में किसी भी वक्त आप लोग जानमाज पर बैठकर सिर्फ एक तस्बीह हाथ में पकड़ लें, और तस्बीह के हर दाने पर आप लोगों ने ये अमल पढ़ना है। नोट फरमा लें कि आप लोगों ने अपने हाथ में तस्बीह पकड़ी हुई है, एक दाना आपके हाथ में आता है, फिर दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है। इसी तरह से आपने क्या करना है कि सबसे पहले दाने पर आप लोगों ने ये अमल पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता या कहारू या वहाबू या रज़ाकु, ये एक दाना हो गया। फिर दूसरे दाने पर ला इलाहा इल्ला अंता या कहारू या वहाबू या रज़ाकु, ये दूसरा दाना हो गया। इसी तरह तीसरे दाने पर ला इलाहा इल्ला अंता या कहारू या वहाबू या रज़ाकु, ये अमल आप लोगों ने पढ़ लेना है। याद रखें कि ला इलाहा इल्ला अंता
बस यहाँ तक पढ़ना है, उसके बाद अल्लाह पाक के तीन नाम या कहारू या वहाबू या रज़ाकू, ये तीन अल्लाह पाक के नाम पढ़ लेने हैं। मैं अपने अल्लाह से दुआ करती हूँ कि जो जो बंदा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा दोस्त, बच्चों के लिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक, जो भी शब कदर में ये एक तस्बीह पढ़ ले, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उसकी गुरबत को दूर फरमा दे, उसकी तंगदस्ती को दूर कर दे। अगर कोई बंदा अपने कारोबार की वजह से बहुत परेशान है, आजकल हालात बहुत ख़राब हैं, हर कोई अपने काम की वजह से परेशान है, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक उसके कामों में आसानियाँ पैदा फरमा दे, उसके रिज्क में, उसके कारोबार में अपने गैबी ख़जानों से मदद फरमा दे और हर तरह की बेरोज़गारी और तंगदस्ती से उसे निजात अदा फरमा दे। दोस्तों, ये रात बहुत ही बरकत वाली रात है और वो खुश नसीब बंदा है जो इस रात को ये अमल कर लेगा, अल्लाह का ज़िक्र कर लेगा, कुरान पाक की तिलावत कर लेगा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लेगा, इंशाल्लाह वो बंदा बहुत ही खुश नसीब है और किस्मत वाला। लेकिन जो इस रात को सोकर गुजार दे, इस रात में कोई भी अमल ना करे, वो मेरे ख्याल से वो खुश किस्मत नहीं, वो खुश नसीब नहीं, बल्कि वो चाहता ही नहीं कि अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं। मेरे आप तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि इस अमल को आपने खुद भी करना है और तमाम दूसरे बहन भाइयों को बता देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।